नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं मैंगो दही भल्ला। इतना अच्छा मौसम हो रहा बारिश का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भल्ले बनाए जाए। मौसम में थोड़ा सा तीखा चटपटा खाने का मन भी करता है, तो आज भल्ले खाने का मन था, तो हमने कहा चलो आज भल्ले बनाते हैं, और वो भी मूंग दाल के, क्योंकि उड़द की दाल के भल्ले मैं बना चुकी हूँ और मेरे चैनल पे मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है। अगर आपको उड़द की दाल के भल्ले देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और ये फ्रेंड्स मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल के भल्ले, आम वाले भल्ले। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये मैंने लिए हैं अनार के दाने, ये मैंने भल्ले लिए हैं जिनका हमने पानी निकाल लिया है भल्लों से, और ये मैंने लिए है अपनी अमचूर की चटनी या इमली की चटनी, आप जो भी ले सकते हो। अगर आपको देखनी है तो दोनों चटनियों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके अलावा फ्रेंड्स ये जो है ये है मेन इंग्रेडिएंट जो आज चाहिए, ये हमारा है मैंगो दही, यानी कि आम वाला दही। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये मैंने कैसे बनाया है आप वहां से देख सकते हैं। तो इससे हम आज अपने मूंग दाल के दही वड़े बनाएंगे। उसके लिए ये मैंने मूंग दाल के दही वड़े लिए हैं, ये देखिए मैं इनको निचोड़ चुकी हूँ पानी, इनका पानी अच्छे से प्रेस कर चुकी हूँ, इनका निकाल चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया है, हम बाजार की तरह ही बनाएंगे इसको, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना वैसे ही बनाएंगे अपने भल्ले। तो ये हम जितने भल्ले हमें खाने हैं उतना आप रख सकते हो, ये देखिए ये हमने इसमें तीन भल्ले डाल दिए हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स इस पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अपना आम वाला दही, ये देखिए। ये मैंगो दही भल्ले हैं, यही डाल दिया है मैंगो वाला। इसके साथ ही मैं इसमें ही डाल रही हूँ अपनी अमचूर की चटनी, उसके साथ ही इसमें ये भुना जीरा डाल रही हूँ मैं। साथ ही मैंने भुना जीरा डाला है। एक बार फ्रेंड्स मैं इसमें दही और डाल देती हूँ थोड़ा सा, और ये लीजिए थोड़ी सी चटनी। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे ये अनार के दाने, ये हमने अनार के दाने डाल दिए हैं, और ये हमारा मैंगो दही वड़ा बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही आप इसको ड्राई फ्रूट वाला बनाना है तो आप इस पर ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, और ये मैंने थोड़ी काली किशमिश ली है, आप पीले पे काला कलर कुछ अलग ही दिखेगा इसलिए मैंने ये काली वाली ली है, आप हरी वाली डाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, जरूरी नहीं आपको कुछ डालना है इसमें। आप डालना चाहते हो तो इस पे काजू किशमिश कुछ भी डाल सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे मूंग दाल के दही वड़े बिल्कुल तैयार हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यादव किचन को, और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।